वीच आर वर्किंग वेरी फाइन इन द मार्केट सो फ्रेंड्स आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले सो मोस्ट ऑफ द माई सब्सक्राइबर बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन द ऑप्शन ट्रेडिंग राइट एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं अपना बिजनेस में बिजी होते हैं एंड दे आर थिंकिंग डैंग टू डिप्लॉय एनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर द वीकली और मंथली बेसिस एंड दे विल गेट द डिसेंट रिटर्न तो इसमें देखो कुछ बुरा नहीं है कि अगर आप लोग कोई वीकली स्ट्रैटेजी बना रहे और इफ़ व्यू आर गेटिंग दन टू परसेंट रिटर्न दैट इज द फैंटेस्टिंग नो इश्यू एट ऑल तो अब मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में देखो अगर आप एंड तक देखिएगा ना एन तक देखते हो तो बहुत सारा लर्निंग आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा और बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी जो चीजें आप सीखने वाले हो ना जनरली कोई मार्केट में बताता नहीं है अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक पोस्ट किया था एक्चुअली एक मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे ये स्ट्रैटेजी भेजी और उन्होंने कहा सर आपको आप, आप प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर ले अब ये जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने जो मुझे भेजी तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं ठीक है अब यहाँ पे पोस्ट करने के बाद ये स्ट्रैटेजी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है मुझे भी बहुत अच्छा लगा मतलब इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लगी और दैट्स वाई आई जस्ट आज द क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है ना कि मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड जो है वन इज टू थ्री पॉइंट वन टू बींग एन ऑप्शन सेलर हम लोग जब वीकली स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो हमारा कभी भी आप देखना रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता है अब यह स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था ठीक है मैक्सिमम रिस्क आपकी छह सौ आ रही है मैक्सिमम प्रॉफिट आपका दो के आसपास आ रहा है सो दैट इज अराउंड फाइव और मैक्सिमम लॉस जो है वन और इसमें जो कैपिटल डिप्लॉयड है ना वो सिर्फ थर्टी है अब ये सारी चीज़ें सही है या क्या है तो आई जस्ट क्रिएटेड वन पोल एट दैट टाइम यू कैन सी हियर कि आपका जो भी व्यू होगा वो मुझे आप बता सकते हो और एट द सेम टाइम आई गेव माई पर्टिकुलर आई डी टेलीग्राम आइडियल्स हो तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मैसेज किया कि सर इसमें ये ये प्रॉब्लम है इसमें ये अच्छा है मुझे ये अच्छी चीज़ें लग रही है तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल आप लोगों ने सोचा और मुझे वो भेजा तो दैट इज़ अ वन ऑफ द गुड थिंग कि एटलीस्ट आर थिंकिंग अब यहाँ पे देखो जब हमने ये बनाया ना तो ऑलमोस्ट फाइव थर्टी पीपल्स जो है उन्होंने मेम्बर्स ने वोट किया है ठीक है हालांकि सोलह सौ लोगों ने देखा लेकिन पता नहीं कि वोट <laughs> करते नहीं है लोग बट दैट इज़ गुड थिंग बेसिकली इफ़ यू कॉन्ट्रीब्यूट इन द शेयरिंग थिंग ना कि मतलब यहाँ पे जब नॉलेज की बातें चल रही है जब आप शेयर करते हो जो भी आपका व्यू है एक्चुअली आई गेव ऑल द ऑप्शन की जिससे हमें पता चले अब देखो ऑप्शन इतने इंटरेस्टिंग है ना कि हम लोगों ने कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिटेबल तो यहाँ पे 31 परसेंट लोगों ने एस बोला हुआ है एंड वन सिक्सटी जो पीपल्स हैं सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला है कि हाँ 166 ऑलमोस्ट ठीक है उसके बाद में Uh, जो कन्फ्यूज है दैट इज अराउंड ट्वेंटी नाइन परसेंट यानी वन फिफ्टी फाइव वोट्स वहां पे गए मतलब आप टोटल देखोगे ना तो ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड थर्टी में से ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड प्लस लोगों ने कहा है कि अच्छी स्थर्टिजी है या फिर दे आर कन्फ्यूज अब एट द सेम टाइम की जब हमने बात की कि इन इट कैन गिव द मैक्सिमम इट कैन गिव द लॉस मैक्सिमम टाइम तो ओनली सिक्सटी सेवन वोट्स वॉज देयर और एक लिखा है कि ऑबस्ट्रा का फॉल्ट है थर्टी फाइव वोट्स वॉज देयर और हम लोगों ने जब कहा कि एक सिंपल सा मैसेज था कि भई हमारी दुनिया बस कॉल बाय और पुड बाय में ही है हम लोगों को उससे ही खुशी आती है बाकी चीज़ें हमारे हमें पल्ले नहीं बढ़ती तो ये भी वोट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वन जीरो वोट है तो ऑलमोस्ट इतने सारे वोट आए तो यहाँ से मुझे पता चला चीज़ें कि चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं हैं हम लोगों को नहीं समझती कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जैसे आई जस्ट प्रॉमिस यस्टरडे कि वी विल डिस्कस इट टुमारो बट दिन भर थोड़े से काम थे इसलिए टाइम नहीं मिल पाया बट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड आई विल गिव द कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप कोई भी स्ट्रैटेजी रहने दो यार दुनिया की आप बता दोगे या स्ट्रैटेजी सही है या गलत है या फिर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है एंड फ्रॉम द लास्ट वन ईयर बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि लोग स्टॉक ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बनाते ये बनाते हैं और पूछते हैं कि सर ये जीरो लॉस की है या फिर किस तरह से यहां तो लॉस होगा ही नहीं Why वाई वू आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इफ यू आर गेटिंग लेस रिटर्न loss is almost zero, then what is the problem? तो so, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा At the same time, आपकी जो weekly strategy हो उसको किस तरीके से देखना चाहिए क्या planning होनी चाहिए Obviously video की length है वो long रहेगी but you will get the awesome knowledge here. So hit the like button और अभी तक subscribe नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा और घंटी को बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा सो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं, नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल

कि ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यहां पे डिप्लॉय की अब डिप्लॉय करने के बाद देखो क्या होता है ना इफ यू आर न्यू टू द पर्टिकुलर स्ट्रेटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग यूज द ऑप्श्रा ऑप्शा एक ऑप्शा यहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगी ऑप्ट्रा डॉट डिफाइन एच आपको आपका अकाउंट बना लो दो स्ट्रेटेजीज आप इसमें फ्री में रन कर सकते हो कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है दे आर सम एक्स्ट्रा फीचर इफ यू वॉन्ट दैट देन गो फॉर द प्रीमियम वर्जन एंड ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट अराउंड फिफ्टी ंड्रेड रुपीज पर मंथ तेरह सौ रुपए का कुछ तो भी आता है जीएसटी पकड़ के पंद्रह सौ के आसपास चला जाता है बट इनिशियली उसकी कोई जरूरत नहीं है अब हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे आप लोग देख सकते हो इफ आई एम एनाइज स्ट्रेटी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे सारी चीजें हैं नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस का देखेंगे कि इसमें क्या चीजें हो रही है ठीक है अब यहाँ पे इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोगों से कहा कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ ठीक है फ्रेंड्स हम लोग अभी एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि देखो ये जो पर्टिकुलर जगह है ना यहाँ पे हम लोग क्या निफ्टी का स्पॉट प्राइस है जैसे ये मान के चलो कि फिफ्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी के आसपास हमारा निफ्टी अभी के लेवल पर फिफ्टी सेवन फिफ्टी भी ले सकते हैं फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड भी ले सकते हो वी आर जस्ट कंसिडरिंग राइट right? अभी यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना देर आर द टू काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी थोड़ा दो मिनट लगेंगे बट आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी अब उसमें दो टाइप जो है ना क्रिटिक क्रिटिकल अगर हम लोग प्राइमरी और देखें तो आर द टू टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी एक होती है आपकी क्रेडिट स्ट्रेटेजी और सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डेबिट स्ट्रैटेजी ठीक है अब मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है क्रेडिट और डेबिट स्ट्रैटेजी क्या होती है जब भी आप लोग ऑप्शन सेल करते हो देखो पहली बात तो स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है आप कोई तो भी ऑप्शन बाय करके चलते हो और कोई तो भी ऑप्शन सेल करके चलते हो ठीक है जब आप ये एक पर्टिकुलर कॉल साइड में या फिर पुट साइड में आप एक कॉलिंग और कॉल और बाय बाय uh, और सेल दोनों चीजें कर रहे हो तो यहां पे गुल मिला के आपके जो प्रीमियम है आप दे रहे हो या ले रहे हो ठीक है मान के चलो कि हमने हंड्रेड रुपीज का प्रीमियम बाय किया हुआ है और वन ट्वेंटी रुपीज का प्रीमियम सेल किया हुआ है कॉल साइड में तो एक्चुअली क्या होगा इसमें आपको ट्वेंटी रुपीज का क्रेडिट बन जाएगा सो बेसिकली दिस विल बी कॉल्ड एस क्रेडिट स्ट्रेटेजी अगर आपने हंड्रेड रुपीज का प्रीमियम जो है वो सेल किया हुआ है ठीक है एज फॉर सेल और वन ट्वेंटी रुपीज का प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है हायर प्रीमियम तो आपकी ये डेबिट स्ट्रेटेजी बन जाएगी ट्वेंटी रुपीज से तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीजों से देख सकते हैं कि आपकी क्रेडिट स्ट्रेटेजी कौन सी होती है और डेबिट स्ट्रेटेजी कौन सी होती है जब हमने एक साइड की बात की वन लेख की जब आप चारों लेग मिला के कंबाइन करके अगर आपके पास कुछ प्रीमियम का क्रेडिट रहता है सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट स्ट्रैटेजी राइट अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया अब दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को हमेशा बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं या आप देखते हैं तो पहले देखना चाहिए क्रेडिट है या डेबिट है दूसरा पॉइंट जो होना चाहिए जनरली लोग क्या करते हैं ना कि अगर ये जो प्राइस है इसके ऊपर चले जाए तो हम लोगों को ओ कॉल्स मिलते हैं और नीचे चले आए तो हम लोगों को ओ पुट्स मिलते हैं राइट तो ओटीएम कॉल और ओ पुट में हमेशा जनरली हम इनको सेल करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है ना ओटीएम कॉल और पुट सेल करेंगे तो उस वजह से हम लोगों को अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जाके ऐसे के कहीं तो भी क्लोज हो जाता है विद इन दिस रेंज लाइक दिस तो हम लोगों को दोनों तरफ से प्रॉफिट मिल जाता है राइट सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट कि मार्केट एक रेंज में रहेगा एंड वी विल मेक प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेंज तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाया जाती है अब ये जो स्ट्रैटेजी ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है इसमें क्या गया मैं आपको सबसे पहले बता हूं अब यहां पे अगर इस जगह पे अगर मैं यहाँ का कॉल लेता हूँ ठीक है अभी मार्केट कहाँ पे निफ्टी नाउ इज ट्रेडिंग एट एंड इफ एड आर थाउजेंडरिंग लेट्स इमेजिन दिस इज दिक्सटीन थाउजेंड लेवल राइट सो इफ वी कंसिडर दिक्सटीन थाउजेंड कॉल सो ऑबियसली इट विल बी नोन एज ओटीएम कॉल ठीक है ये क्या हो जाएगा ओटीएम कॉल बट इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर सिक्सटीन थाउजेंड पी तो ये भैया क्या बन जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड का पी का मतलब क्या है मार्केट सोलह हजार के नीचे रहेगा एंड मार्केट अभी कहा पंद्रह हजार सात सौ पचास पे या सात सौ पे तो ऑलरेडी ये जो सिक्सटीन थाउजेंड का पी है ये क्या है आई टी एम इन द मनी और कैसा इन द मनी है भाई तो दिस इज नोन है डीप आईटीएम क्योंकि 15,700 पे मार्केट है तो 15,800 का आईटीएम हो जाएगा और 800 के ऊपर के जो कॉल पुट्स है वो डीप इन द मनी हो जाएंगे अगर आपको ये ओ टीएम टी या ये सब नहीं समझता है जस्ट गो गो टू अवर चैनल एंड फाइंड आउट ऑप्शन ज्ञान करके एक सीरीज है वहां पर जाकर अगर डालोगे आपके ऑप्शन मनीनेस क्या होता है कॉल बाय क्या होता है ये सारी चीजें एंड देर इज वन अनादर

तो अभी हम लोगों ने क्या किया है सिक्सटीन थाउजेंड का पुट अगर कंसिडर करते हो ये आई हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं यहां पंद्रह के नीचे आता हूं और पंद्रह हजार का इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर पुट तो इसका कहना क्या है मार्केट 15,500 के नीचे आना चाहिए बट मार्केट इज अबोव 15,700 के आसपास है तो इट इज अबोव द 15,500 तो ये क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका ओटीएम पंद्रह हजार पांच सौ का कॉल लेता हूं तो यह क्या हो जाएगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीप इन द मनी कॉल राइट डीप इन द मनी कॉल तो यह आई टी एम कॉल है और आई टी एम पुट है तो कभी भी इन चीजों को याद रखना है ठीक है अभी हम लोग जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं ना उसमें वही चीज है कि यहां पे हम लोगों ने जो मतलब जो भी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इस जगह से इन्होंने एक डीप आई डीप आई पुट को सेल कर दिया और एक डीप आई पुट को बाय कर लिया राइट एट द सेम टाइम इन्होंने डीप आई कॉल को सेल कर दिया और दूसरा थोड़ा सा 50 पॉइंट दूर पे उसमें उन्होंने बाय कर लिया तो ये स्ट्रैटेजी इसी वजह से थोड़ा सा अलग सी होगी तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगा और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ देखो क्या होता है आज की डेट कितनी है आप देखोगे तो बेसिकली टुडे इज अ संडे राइट अभी आने वाली जो एक्सपायरी है वो कौन सी है आने वाली एक्सपायरी जो नेक्स्ट थर्सडे को रहेगी वो अब नेक्स्ट थर्सडे कौन से दिन है सेवंथ जुलाई राइट सेवन जुलाई को आने वाली एक्सपायरी है उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी कब होने वाली है नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट एक्सपायरी कब होने वाली है दैट इज फोर्टीन जुलाई राइट तो आने वाली जो करंट एक्सपायरी है मतलब मंडे रहेगा कल मंडे च्यूजडे थर्सडे चार दिन बाकी है तो अभी जो एक्सपायरी है वो सेवन जुलाई की रहेगी कभी भी याद रखना है अभी हम लोग जब काम करते हैं ना तो हम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि जैसे आज की डेट हम लोग मान के चलते हैं कि टू जुलाई है ठीक है सेकेंड जुलाई या थर्ड जुलाई तो कभी भी हम लोग जो भी लोग काम करते हैं ना ऑप्शन में सेकंड थर्ड ये हमेशा काम करेंगे आप ओ कॉल पुट भी लेते हो या हल्का सा इन द मनी पुट भी लेते हो ना तो ये सब में लिक्विडिटी रहती है राइट क्या रहती है लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या है अगर एक प्राइस है आपकी हंड्रेड रुपीज़ वन जीरो वन रुपीज़ आपको दिख रहा है इसे कहते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वन जीरो वन है तो यहाँ पे एक बायर बैठा होगा और एक सेलर बैठा होगा तो कहीं ना कहीं बायर चाहता है कि इस प्राइस को मैं हंड्रेड रुपीज़ पे खरीदूँ हंड्रेड पॉइंट एट्टी पे और जो सेलर बैठा होगा वो बैठा होगा वन जीरो वन पॉइंट ट्वेंटी तो कभी ना कभी इन दोनों के बीच में जब ये इंटरेक्शन हो जाएगा और दोनों एक प्राइस पे एग्री हो जाएंगे अब अभी इन्होंने क्या किया बायर ने अपनी प्राइस बता ली कि भाई मैं एक सौ एक पॉइंट एक में खरीदने को तैयार हूं और ये सेलर ने भी अपनी प्राइस कम कर दी इन्होंने भी कहा कि मैं आई एम गोइंग टू रेडी टू सेल पर्टिकुलर ऑप्शन एट वन जीरो वन पॉइंट वन तो ये दोनों की प्राइस जब मैच हो जाएगी ना तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लास्ट प्राइस ये सौदा हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड देयर विल बी द एल विल बिकम वन अब ये जो है ना अभी यहाँ दोनों के बीच में मैं आपको बता दूँ तो, ध्यान से सुनना है बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी बोर तो होगा बट लर्निंग है तो इंटरेस्ट भी आएगा जिनको सीखना है तो ये हंड्रेड पॉइंट एटी और 101.20 इनमें डिफरेंस है बायर और सेलर में क्योंकि बैठे है अगर हम लोग इसको सिंपली समझते हैं कि 101 पे एक पे प्राइस दिख रही है ट्रेडिंग बायर जो बैठा है वो बैठा है हंड्रेड रुपीज पे राइट और जो सेलर बैठा है वो बैठा है एक सौ पे अब इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है तो भाई टू रुपीस का डिफरेंस है अब ये जो टू रुपीस होते हैं दैट इज कॉल्ड है स्प्रेड अब ये स्प्रेड जनरली क्यों क्रिएट होता है क्योंकि बायर और सेलर देयर मतलब उनमें डिफरेंस होता है सिमिलरली यहाँ पे स्प्रेड कितना है तो ट्वेंटी पैसे इधर से और इधर तो दैट इज फोर्टी पैसे ये आपका यहाँ पे स्प्रेड आएगा तो हमेशा ये जब हम लोग करंट एक्सपायरी में काम करते हैं तो ए में ओ में और आई में हल्का सा आपको लिक्विडिटी रहती है तो यहाँ पे बड़ा स्प्रेड आपको कभी मिलता नहीं स्प्रेड मिलता नहीं छोटा मोटा स्प्रेड तो हमेशा रहता है क्योंकि दिस इज अ ट्रेडिंग और बायर और बायर हमेशा चाहता है कि कम प्राइस पे खरीदे सेलर चाहता है कि बड़े प्राइस पे बेचा जाए तो कहीं ना कहीं स्प्रेड तो हमेशा रहेगा बट दैट स्प्रेड शुड भी कम हो द मिनिमम स्प्रेड दैट इज गुड ठीक है अगर वो बढ़ता जाए तो वी विल कंसिडर एज अ स्लीपेज अब यहाँ पे और एक चीज समझते हैं हम ये चीजों से अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया जैसे ही आप डीप इन द मनी में जाते हो कौन से एक्सपायरी की बात कर रहे हैं भाई 7 जुलाई की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर 7 जुलाई बट हम लोग डीप इन द मनी में जाते हैं एटीएम छोड़ दो ओटीएम छोड़ दो आईटीएम छोड़ दो डीप इन द मनी में अब डीप इन द मनी में इवन करंट एक्सपायरी में जाते हैं तो आपको जो स्प्रेड है ना वो ज्यादा मिलेगा कभी कभी हो जाता है कि यहां पे 105 दिखाई देता है नीचे आते हो तो बायर बैठा है सौ रुपए पे और सेलर बैठा है एक सौ रुपए में आप इमेजिन नहीं करोगे ये स्प्रेड कितना पॉइंट का है 10 पॉइंट्स टेन पॉइंट्स का डिफरेंस मतलब निफ्टी में फिफ्टी टू टेन दैट इज ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज मतलब अगर आप यहां पे मार्केट ऑर्डर में बाय करना चाहते हो तो सीधा सीधा आपको एक सौ दस में मिलेगा आपको लगेगा कि एक सौ पांच पे एक सौ छह में मिल जाना चाहिए बट वो मिलेगा एक सौ दस पे बिकॉज दीज आर द डीप आई टी एम अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि डीप आई टी एम में जाओगे तो जितना आई टी एम में जाओगे थोड़ा सा स्प्रेड बनते जाएगा सॉरी अब इस वजह से क्या होता है कि करंट एक्सपायरी में भी अगर डीप इन द मनी में जाते हो या बहुत फार ओटीएम पर लेकिन क्या है ना जनरली रिटेलर जैसे लोग हैं हमारे जैसे वो हम हमेशा ओटीएम में बाय करते रहते हैं तो लिक्विडिटी बनी रहती है इंडिया में कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं लिक्विडिटी का बट आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ वेन वी आर गोइंग टू कंसिडर जैसे आज की आने वाली एक्सपायरी फोर्टीन जुलाई सेवन जुलाई लेकिन अगर हम लोग फोर्टीन जुलाई को ले लेते हैं ठीक है ये जो एक्सपायरी है आने वाले वीक की करंट वीक की एक्सपायरी कहते हैं और एट द सेम टाइम करंट मंथ की जो भी इस मंथ में 28 जुलाई होगा शायद तो 28 जुलाई इज मंथली एक्सपायरी यहां पे भी अच्छी लिक्विडिटी आपको मिलती है यहां पे कम स्प्रेड होते हैं जनरली कहां पे एटीएम ओटीएम में स्प्रेड नहीं रहते यू विल गेट द पर्टिकुलरली लेस स्प्रेड तो उस वजह से क्या होता है कि मंथली और करंट वीक में लिक्विडिटी का इतना इशू नहीं होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉक के ऑप्शन में जनरली बहुत कम ऐसे स्टॉक है कि जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है तो ड्यू टू दैट इन लिक्विडिटी स्टॉक ऑप्शन में बहुत बार स्प्रेड क्रिएट हो जाता है और आपकी स्ट्रेटेजी जीरो लॉस वाली बन जाती है ठीक है अब यहां पे अगर हम लोग फोर्टीन जुलाई की बात करते तो यहां पे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि जो भी काम करेंगे तो सेवन जुलाई में करेंगे आने वाले एक्सपायरी में बिकॉज द ऑप्शन विच आर अवेलेबल विच आर बेसिकली ऑप्शन ऑफ द सेवन जुलाई एक्सपायरी तो ये हो जाएगी। 14 है, उसके बाद वाली। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी नहीं होती है हमेशा देखना होता है इवन इफ यू कंसिडर माई एम आर पी स्ट्रैटेजी एज अग्नेचर स्ट्रैटेजी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना उसमें थर्सडे में जाके जैसे कि अगर बात के चलो जुलाई है तो सेवन जुलाई के एक्सपायरी के एंड समय में थ्री फिफ्टीन पी से थ्री थर्टी पी एम राइट इस जगह पे हम लोग स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो हम लोग उसमें जुलाई का कुछ ऑप्शन बेचते हैं और एट द सेम टाइम उसके बाद आने वाला ठीक है वो 21 जुलाई हो सकता है शायद उसमें हम लोग बाइंग करते हैं तो ये जब बाइंग करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ये जब बाइंग करोगे तो पहले जाके स्प्रेड चेक कर लो बट एटलीस्ट वो ओटीएम होते हैं तो इतना स्प्रेड नहीं होता है, एक हाथ रुपए का स्प्रेड चल जाता है कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है बट फिर भी हम लोगों को वो चेक करना पड़ता है राइट right? अगर हम लोग फोर्टीन जुलाई की ऑड एक्सपायरी ले ले अभी पहली बात तो पहला पॉइंट ऑर्ड एक्सपायरी हो गई दूसरा पॉइंट ये हमारा डीप इन द मनी हो गया इन द मनी के में करंट एक्सपायरी है उसमें तो लिक्विडिटी के इशू है तो ये ऑर्ड एक्सपायरी में दो तो कितने बड़े लिक्विडिटी के इशू हो जाएंगे राइट अब वो ड्यू टू लिक्विडिटी वहां पे हमेशा आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पे स्प्रेड दिखाई देते अब ये चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं अभी देखो अभी हम लोग हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर आ गए ठीक है strategy में आप देखोगे देखो निफ्टी देखो, कहां है नाउ निफ्टी एट एज स्पॉट प्राइस इज अराउंड राइट ये सारी चीजें आप लोगों को लॉट साइज आईवी कितनी है परसेंटल कितना ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर का यहां पर डेट देखो ये जो डेट है ना जो आप लोगों को यहां पर दिख रही है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट ये एक्सपायरी का मतलब सिलेक्ट द पे ऑफ डेट आपको यहां दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पे ऑफ ग्राफ बनाए ये इस डेट के लिए अगर मार्केट इस तरह से रहता है तो आपको यह चीज मिलने वाली है नाउ एज पर चार्ट अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसका ब्रेक इवन हम लोग देख लेते हैं दो मिनट में आप लोगों को बताता हूं आप यहां पे ब्रेक इवन देखोगे तो फिफ्टीन फाइव थर्टी नाइन तो कहीं ना कहीं फिफ्टीन टउजंड फाइव थर्टी नाइन यहां पर आएगा ठीक है और दूसरा सिक्सटीन थाउजेंड इलेवन वो यहां पे आएगा अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके ऊपर चला जाएगा तो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर चला जाएगा प्रॉफिट होगा लेकिन इसके जोन के बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम लोगों को लॉस हो सकता है ठीक है अभी ये आपसे ऐसा दिख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोगों को यही यहाँ पे विजिबल हो रहा है बट ये लॉस कितना है तो ओनली फाइव नाइन्टी एट रुपीज यू कैन सी इट हियर कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटेजी में वो कितना है माइनस फाइव एट यानी सिक्स हंड्रेड रुपीज लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड रुपीज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट इज सेवेंटी पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अब देखो जो लोग बोलते हैं ऑप्स्टा गलत है ऑप्स्टा को कोई लेना देना नहीं है ठीक है ऑप्स्टा कुछ गलत नहीं है ऑप्स्टा में जो ये यह यहां पे वैल्यू मिल रही है थ्री सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री वो उठा के डाल देता है राइट यहां पे 423 है जो भी क्लोजिंग है या जो भी प्राइस मिल रही है वो यहां पे कंसिडर कर लेता है और अकॉर्डिंग टू दिस प्राइसेस हम लोगों को यहां पे दिखाई देता है अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया मार्केट कहां पे 15,750 पे हम लोगों ने 16,000 का पुट वी आर गोइंग टू सेल मींस दैट इज वी आर गोइंग टू सेल द डीप सॉरी वी आर गोइंग टू बाय सिक्सटीन पी जो थ्री सिक्सटी पे है एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने पुट साइड में पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने ऊपर का पुट सेल किया हुआ है बाय किया हुआ है 16,000 का एंड वी आर गोइंग टू सेल 16,050 मतलब यहां पे एक चीज क्लियर होगी हम लोगों ने डीप इन द मनी पुट बाय किया और उससे भी 50 पॉइंट दूर का पुट सेल कर दिया राइट सो दैट्स वाई 369 का बाइंग है और 423 का वन है अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एक मिनट के अंदर एक क्रेडिट है या डेबिट है आपने 423 का सेल किया 370 का ऑलमोस्ट बाय किया हुआ है तो 100% परसेंट दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट स्ट्रेटेजी सिमिलरली नीचे के साइड में देखते हैं कि 15,550 का कॉल हम लोग 368 368 पे बाय बाई कर रहे हैं और 402 पे 15,500 का कॉल सेल कर रहे हैं तो सेलिंग हमारी 402 पे है बाइंग हमारे 368 पे तो कहीं ना कहीं ये भी क्रेडिट हो गया तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो है वो क्रेडिट स्ट्रेटजी है और वैसे भी आप यहां से भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा कि इसमें जो क्रेडिट है वो क्रेडिट आपको यहां पर नेट क्रेडिट जो है वो इतना मिल रहा है राइट सो दैट्स इट इज कॉल्ड क्रेडिट अगर क्रेडिट ना हो तो वो जीरो बन जाता है वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है अब ये सही में ऐसा पॉसिबल है देखो मैं आपको चीजें बताता हूँ अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये स्ट्रैटेजी है ना सेवन जुलाई को निकाल देना है अब जनरली इसमें सारे एक ही एक्सपायरी है पूरी फोर्टीन 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 फोरटीन तो इसमें कोई कैलेंडर नहीं लगा हुआ सारे एक ही एक्सपायरी के अगर मैं सेवन जुलाई का पे ऑफ देखता हूँ तो ऑलमोस्ट देखो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई नाइनटी मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही है और मैक्सिमम लॉसिस जीरो सो अगर ये स्ट्रैटेजी डालू और टेजी kind of और सेवन जूले को अगर मुझे लॉस ही नहीं अगर मार्केट मूव हो गया इधर उधर तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है मैथामेटिकली दिख सकता है बट द पॉइंट इज दैट जो मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो चीजों को समझना है हम लोग ले लेते हैं एज अ पे ऑफ ग्राफ की जो एक्सपायरी है वो अब मैं आपको सबसे पहले जीरो दा के पोर्टल पे चलते हैं हम लोगों ने जो भी कंसिडर किया है फाइव हंड्रेड का कॉल तो ये सेम सारी चीजें मैंने यहां पे लगा दिया अब यहां पे प्राइस कितनी है थ्री फिफ्टी नाइन और थ्री सेवन ठीक है 359 और अगर आप यहां पे जाके देखोगे अब यहाँ पे बिड और आस्क है ही नहीं बायर और सेलर है नहीं तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली कितने प्राइस पे है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे कितना है भाई 369 अगर आप देखो इसको आप 359 कर देते हो सो यू विल अंडरस्टैंड द गेम कि आपका थ्री ले लेते चलो जो भी है अब देखो अरे अब तो लॉस बहुत कम हो गया ठीक है बट आप एक देखो कि सिक्सटीन थाउजेंड फिफ्टी का जो पुट है वो फोर ट्वेंटी थ्री वन पे है और हमारे यहाँ पे कितना है मैं आपको बता दो फोर ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन पे है यहाँ पे कितना है थ्री नाइन्टी सेवन चलो ये भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा सॉरी ये नहीं है ये गलत है थ्री नाइन्टी सेवन जैसे ही हम लोग थ्री नाइन मतलब वो दिखने के लिए फोर ट्वेंटी थ्री दिख रहा है बट जीरोदा हमें बता रहा है कि भैया ये थ्री नाइन्टी सेवन है मैक्स लॉस पाँच सौ का जो था वो फोर्टीन हंड्रेड का हो गया अगर ये सेम चीज़ आप इधर भी करोगे थ्री सिक्सटी एट फोर ज़ीरो टू आप जाके देखो थ्री सिक्सटी एट और फोर जीरो टू ये कितने पे है थ्री सेवेंटी टू और ये कितना है फोर जीरो एट तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आप लोग अज्यूम कर रहे हो अभी देखो यहाँ पर तो हमने ट्रेड लाना लगाया नहीं फिर भी ये लॉस है और यहाँ पर प्रॉफिट है बिकॉज आप लोग जो देख रहे हो ये जो प्राइसेस है ये मैथमेटिकली है बट व्हेन यू आर गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और जनरली देखो क्या होता है ना हम लोग सभी लोग आप बोलो मैं बोलो हम लोग कब स्ट्रैटेजी बनाते मार्केट क्लोज होने के बाद हम शांति से देखते हैं मार्केट को फिर दिमाग लगाते ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो स्ट्रैटेजी बट एक्चुअली जब मार्केट ओपन होगा तो आपको ये प्राइसेस कभी मिलने वाले हैं बहुत बार ऐसी बटरफ्लाई बन जाती है कि उसमें लॉस नहीं हो जीरो लॉस होता है बट आप देखो कि करंट मार्केट में वो कब बनेगा? आप देखो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मेरी बनाई हुई है अब जाके चेक करो तो वो जीरो लॉस भी हो जाती है बट एक्चुअल में जीरो लॉस दिखती है बट कहीं ना कहीं ५००, सौ रुपए का लॉस दे ही देती है और उसका जो ये जो होता है ना इसको बोला जाता है कि आपका पूरा जो रेंज है वो कितना है रेंज बढ़ जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसकी रेंज बहुत कम होती है बट एट द सेम टाइम अभी मुझे जीरो दाम में इसके बीच में देखो बायर सेलर कितने पे बैठे ये नहीं पता यहां पे भी नहीं पता हमेशा दिखता है बट आज नहीं दिख रहा है बहुत बार दिखता भी है तो कहीं ना कहीं हम लोग चले जाते हैं हमारे एंजल के प्लेटफॉर्म पर नाउ एंजल वन इज द दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि जहां पे हम लोग देखो इंडिया ग्लोबल आपको सब सारे इंडेक्स मिल जाते हैं इवन इफ यू वेंट टू द मार्केट पोर्टफोलियो आपको आ, बहुत सारी चीजें यहां पे टॉप लूजर कौन से हैं मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू वॉल्यूम बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी एंड वन ऑफ द ग्रेट फीचर दैट एंजल वन इज हैविंग दैट इज कॉल्ड इंस्टा ट्रेड उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको बहुत हेल्पफुल होता है आप जाके वीडियो को चेकआउट करें और आपको लिंक मिल जाएगी इसकी इफ यू वांट टू ओपन दिस अकाउंट और सबसे बड़ी बात मैं आपको जनरली में क्या होता है देखो zero -da. Zero -da करना होता है, तो सेल तो करने के पहले हम लोग बाय करके चलते मार्जिन बेनिफिट तो मिल जाता है आपको नहीं करता वो करने। में वैसे कोई बात आप कोई भी ऑप्शन उठाओ दो रुपए का एक रुपए का पचास पैसे का दस पैसे का यू कैन बाय एनी वहां पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है ओआ so तो के सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इफ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब जाकर चेकआउट कर सकते हो ओपन कर सकते हो अकाउंट ठीक है अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं तो अभी मैं जो आप लोगों को चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते हैं चलो मार्केट्स पे चलते हैं मार्केट्स में हम लोग आ जाते हैं तो यू कैन सी दर एफ डेटा चार्ट ऑप्शन चेन ईच एंड एंड एवरीथिंग यू कैन डिप्लॉय द द फ्रॉम ऑप्शन चेन ऑल्सो तो हम लोगों ने क्या किया है ना जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था सोलह हजार का पुट और सिक्सटीन थाउजेंड फिफ्टी का पुट बाय और सेल के लिए तो हम लोग वो दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्सटीन थाउजेंड फिफ्टी का पुट और सिक्सटीन थाउजेंड का पुट ये दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं एज इट इज ठीक है यहां पे कितना था थ्री फिफ्टी नाइन और थ्री नाइनटी सेवन नाउ विल चेक अगर ये 369 सिक्सटी नाइन पे जीरो दॉसो शोइंग थ्री फिफ्टी नाइन इट इज ऑल्सो शोइंग 359 369 के आसपास है राइट सो दैट इज द प्रॉब्लम अगर मैं इसको क्लिक करूं देखो इसको हम थ्री पे क्लिक करते हैं अब देखो एलटीपी कितनी है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया थ्री सिक्सटी नाइन बट इफ यू यू आर गोइंग टू चेक हियर आपको चीजें यहां पे देखो ये पूरा सिक्सटीन थाउजेंड फुट का डेटा है कि बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस आप यहां पे देखो कितना है थ्री फिफ्टी टू यहां पर आपको दिखेगा कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इज थ्री सिक्सटी नाइन नो इशू बट बायर्स आर सिचुएटेड एट थ्री फिफ्टी टू एंड सेलर कहीं ना कहीं थ्री सिक्सटी थ्री पे आप देखो थ्री सिक्सटी नाइन जस्टिफाइड है बिल्कुल नहीं है तो थ्री फिफ्टी नाइन पे भी है तो आप देख लो थ्री फिफ्टी टू और थ्री सिक्सटी कितना पॉइंट का डिफरेंस है टेन पॉइंट्स का तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती होगी कि यहाँ पे दस पॉइंट का मतलब पाँच सौ रुपये का डिफरेंस है मतलब जब आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे शायद ही आपको वो प्राइसेस में मिलेगा अगर आप ये सोलह हज़ार पचास का भी डिप इन द मनी देख लेते हो तो यू विल अमेज कि ऊपर दिख रहा है फोर ट्वेंटी थ्री अब देखो भैया इसमें डिफरेंस कितना है ठीक है ये फोर ट्वेंटी थ्री है हम लोगों ने वहाँ पर वही लिया था बायर बैठा है थ्री फोर्टी पर सेलर बैठा है फोर जीरो सिक्स पे ठीक है अब जो भी एज्यूम करना है क्योंकि जीरो दाम में भी अगर आप चेक करते हो तो आपको दिखेगा कि ये कितना है सिक्सटीन थाउजेंड फिफ्टी का पुट थ्री नाइन्टी सेवन पे राइट यहाँ पे भी कितना है थ्री नाइन्टी सेवन के आसपास बट एक्चुअल में सिक्सटीन थाउजेंड फिफ्टी के पुट में यहाँ पे आप देखोगे तो बायर है थ्री फोर्टी पे और ये जो है सेलर बैठा है फोर जीरो सिक्स पे वट इज द डिफरेंस द डिफरेंस इन दिस बायर एंड सेलर कितना है आप चलो बताओ कॉमेंट सेक्शन में जाके पॉइंट पॉइंट अब 67 अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ठीक है है ये डिफरेंस आ रहा इनमें कलर चेंज कर लेता हूं इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 67 पॉइंट का अब ये जो 67 पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करो भाई कितना होता है इन टू तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 3000 थाउजेंड या थ्री के के पास ऑलमोस्ट 4000 के आसपास इनमें स्प्रेड बैठा हुआ है तो आप लोग जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो सही में अच्छी है या बुरी है आप खुद ही चेक कर लो राइट इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की जीरो लॉस बन रही है या फिर जो दिखाई दे रहा है स्टॉक ऑप्शन में जनरली ये चीज़ें होती है जिन वजह से ये स्ट्रैटेजी जैसी दिख रही है मैथामेटिकली वैसे एक्चुअल में नहीं होती तो जो भी लोगों को यहाँ पर हम लोग जो ये कर रहे थे जो भी लोगों ने कहा कि थर्टी वन परसेंट ऑलमोस्ट कितने वोट से आप खुद देख लो यार बहुत सारे वोट से वन सिक्सटी सिक्स लोगों ने कहा कि गुड स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिटेबल तो दे आर रॉन्ग एट द सेम टाइम जो लोग कन्फ्यूज़ है उन लोगों को भी क्लियर हो गया कि वट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट स्ट्रेटेजी और कैसे देखा जाता है दूसरा कि ऑप्स्ट्रा का फॉल्ट है भैया ऑप्श्रा का फॉल्ट नहीं है ये फॉल्ट हमारा है हम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ऑप्शा थर्टी फाइव लोगों ने उनको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई और हमारी दुनिया बस बाय कॉल में बैठी हुई है तो वो लोग भी समझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें समझने लायक है सिर्फ कॉल बाय करके प्रॉफिट कर लो पुट बाय करके नीचे आ रहा है तो इन चीजों से ऑप्शन में नहीं होगा इफ यू वॉन्ट टू ग्रो यूर सेल्फ इन द ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं यू वांट टू लर्न समथिंग आपको ऑप्शन के बारे में बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी आप जब तक सीखोगे नहीं लर्निंग जब तक नहीं है मार्केट में पैसा नहीं बनता है भाई आप कुछ भी कर लो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट्स क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है और हमने भी सीखा है ऐसा नहीं किसी ने आके बता दिया कोई किताब ने बता दिया दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें भी लगता था कि यार ये तो बढ़िया अच्छी है इससे प्रॉफिट बना लेंगे तो कहीं ना कहीं और हम लोगों को तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एनी स्ट्रैटेजी क्या चीजें है क्या प्रॉब्लम है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई विल क्रिएट दीडियो एंड आई विल द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस वीडियो थर्टी मिनट का वीडियो बन चुका है बट आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत सारी लर्निंग इस चीजों से मिली होंगी स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू पे ऑफ्राफ आई कैन एक्सप्लेन बट ड्यू टू द टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड द लिमिटेशन आई एम गोइ टू स्टॉप हिर एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड जब तक आप शेयर नहीं करोगे कंप्लीट देखोगे नहीं लोग देखेंगे नहीं तब तक ये नहीं चलने वाला एंड दिस काइंड ऑफ गुड थिंग्स विल नॉट प्रोपोगेटेड टू द पीपल तो कहीं ना कहीं लोगों के पास वो जाएगा चीजें समझेंगे क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती कि भाई बना लो कर लो और ये बाय कर लो वो बाय कर लो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली अगर ऐसा होता तो सब लोग मार्केट से पैसा बनाते हैं राइट नहीं बनता है इसका वजह ही है कि बहुत सारी चीजें वे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सो दैट्स वाई वो हमारा ड्यूटी है मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ सो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत फैला दो सब वीडियोज मतलब जो भी है आपके ग्रुप्स वहाँ पर जाके बता दो तो कंप्लीट देखने को बोलो तो सभी लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी एंड फ्रेंड्स आप लोगों को और स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ना है तो कैसे होता है प्या बुरा किस तरह से होना चाहिए क्या चीजें होनी चाहिए डू कमेंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ Knowledgeable video or learning video for you people. Friend, stay tuned with us. Thank you, friend. Thank you once again.